देख एकनाथ, डीजल, अरे डीजल का भाव घट गया तो क्या है? हाँ, नहीं नहीं, हम टेम्पो का भाड़ा कम नहीं करेंगे, तू बोल दे सबको। मी बोलती है, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख, 10 लाख से एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। आपकी सगाई का गिफ्ट, नवी कोरी बुलेट। बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उमेश जाधव की बहन की शादी है, इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूँ मैं, सिर्फ मेरी बहन खुश रहनी चाहिए और ये जिम्मेदारी तेरी है। एक्सक्यूज मी, हेलो, बधाई हो अक्षय सेठ। हाँ हाँ, अब तो आपको अक्षय सेठ ही कहना पड़ेगा, बड़े घर के दामाद बन रहे हो। मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? अगर नहीं किया ना तो देख लेना, सेठ से भिखारी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। तेरा साला है ना उमेश, उसे बस तेरे और मेरे बारे में बताऊंगी, तब तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो तेरा प्रॉब्लम है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, और अगर तूने नहीं दिया ना तो। क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सागरिका, अंधेरे में क्यों बैठी है? क्या हुआ, कुछ परेशानी है? कोई अगर 2 मिनट के लिए शांत बैठे ना आई तो आपको ऐसे लगता है वो परेशान है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा खेत से नहीं आया अभी तक, चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी अच्छी शॉपिंग हुई ना अक्षय। अक्षय ये वाली टी शर्ट तुम मुझे अभी पहन के दिखाओ। कौन सी? ये वाली। अरे वाह अक्षय, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। श्वेता, तुम ये सब लेके अंदर जाओ और आई को कहना कि चाय बनाए, मैं अभी आता हूँ। सागरिका, वो क्या है कि आई बाबा ने जिद करके ये शादी तय की है। जब मेरे साथ मजे मार रहा था तो आई बाबा को पूछा था क्या? अब ये मत समझना, आज मैंने उसके सामने तेरे और मेरे बारे में बात नहीं की, इसका मतलब कल भी नहीं करूंगी। ये भी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी, पैसों का इंतजाम किया? कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अपने करोड़पति ससुराल वालों से मांग ले। पागल हो गया क्या तू? मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर तू नहीं मांगेगा ना तो मैं मांग लूंगी। तेरा वो जो साला है उमेश जाधव, वो आधा नहीं पूरा पागल है, अगर मैं उसके पास चली जाऊंगी ना तो पता है ना क्या होगा। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, मुझे अगर पैसा नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा। बीस साल की सीधी सादी दिखने वाली सागरिका एक गरीब किसान की इकलौती बेटी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ब्लैकमेलर भी हो सकती है। लेकिन ब्लैकमेलिंग उसकी जरूरत है, मजबूरी है,
या फिर शौक। उसे शायद ये एहसास भी नहीं था कि वो एक संगीन जुर्म कर रही थी और ये जुर्म उसे किस दिशा में लेकर जाएगा वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि किसी भी गुनाह के परिणाम अपराधी की उम्मीद से कोसों दूर होते हैं। आले, हाँ आई। क्या हुआ दादा, इतने जोर से दरवाजा? आई किधर है? बाबा किधर है? आई मंदिर में गई है, भजन है ना, और बाबा पंचायत में। क्या हुआ भाऊ? अच्छा हुआ वो घर पर नहीं है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। तेरा उस अक्षय घोलप के साथ क्या चल रहा है? पानी लेकर आती हूँ। भाऊ, भाऊ। पहले मेरे सवालों का जवाब दे। क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कुछ महीने पहले एक मिनट, सागरिका आई लव यू। अरे कुछ जवाब तो दो, अरे लोग मुझे चिढ़ाने लगे। 24 घंटे मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मर जाऊंगा यार मैं तेरे बिना, तू अगर मुझे नहीं मिलना। अक्षय ये क्या बात कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। देखो तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो हम लोग गरीब हैं, इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा मत करो प्लीज। एक बात पूछूं, क्या अक्षय तुझे सचमुच बुरा लगता है? सुकन्या बात उसके अच्छे बुरे की है ही नहीं, लेकिन मेरे घर पर अगर भनक भी लगी ना तो पता नहीं क्या होगा। डरपोक कहेगी, पिक्चरों में नहीं देखा? अरे प्यार में ऐसा ही होता है, और जो आसानी से मिले उसका मजा क्या। और हाँ उससे पूछ लेना, वो शादी करेगा ना? शादी कल कर ले। कुछ तो बोलो, बोल दो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? मैं चाहते हुए भी खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई, और प्यार के बहाव में दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सुनो ना अक्षय, वो हम शादी कब करेंगे? क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती घर पे। बस कुछ और दिन, जिस दिन आई बाबा अच्छे मूड में होंगे ना, उस दिन मैं हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन बाद में पता नहीं मुझे बहुत डर लगने लगा, और कुछ ही दिनों में मेरा ये डर सच में बदल गया। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? अक्षय ये क्या बात कर रहे हो तुम? सागरिका आराम से, तुम दोनों शांति से क्यों नहीं बात करते? तुम जाके अबॉर्शन करवा लो। करवा लो का क्या मतलब है? तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं। अरे मैं नहीं आऊंगा। अरे वहाँ कोई पहचान का मिल गया तो, उसने घर पे बता दिया तो आई बाबा को धक्का बैठेगा। हाँ हाँ तुम्हें तो सबकी चिंता है सिवाय मेरे। अरे एक बार कहा ना, नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ। सुकन्या आई थी, भाव में करस आंटे। उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करना शुरू किया। मैंने उसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मुझे वो देखता था अपना रास्ता बदल देता था। फिर मुझे पता चला कि अगले 15 दिनों में उसकी शादी होने वाली है, वो उमेश जाधव है ना, उसकी बहन से। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। देखो अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख रुपए मांगे उससे, किसी लालच से नहीं। मैं तो बस उसे तड़पते देखना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी उससे। छमायला,
अभी जाके उस अक्षय की खोपड़ी फोड़ता हूँ। समझना क्या है वो अपने आप को? भाऊ, 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 आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। भाऊ, हाँ? अभी भी तुझे उसकी चिंता हो रही है? घर की इज्जत बाहर उछल कर आई है? शर्म नहीं आती तुझे? एक काम कर, मैं जैसे बोलता ना वैसे कर। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसा भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला। मैंने तुझे फोन ये बताने के लिए किया है, कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। क्यों? शांति से जीना चाहता है, शादी करना चाहता है तो आ जाना, नहीं तो मैं उमेश जाधव के पास चली जाऊंगी। और इसका मतलब समझता है ना तू? टाइम पे पहुंचना, मैं वही तेरा इंतजार करूंगी। आ रहा है वो। अब देख मैं क्या करता हूँ उसके साथ। इंसान की शक्ल में हैवान हमारे चारों तरफ घूमते हैं और सागरिका भी अक्षय के भीतर छुपे इरादों को पहचान नहीं पाई। सागरिका को अपना बदला लेने का यही तरीका समझ में आया और जब उसने माधव के साथ अपना दुख शेयर किया तो माधव ने भी उसे अहम खिलाड़ी बना दिया। गलती के जिस रास्ते पर सागरिका थी, माधव ने उसे और पुख्ता करने की ठान ली और ये रास्ता उस तरफ गया जहां सबके इंतजार में सिर्फ बर्बादी खड़ी थी। यहीं पे हम लोग मिलते थे। देख, उससे प्यार से बात कर लेना, अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे। भाऊ, और उसके फोटो उमेश जाधव को भेज देंगे। तेरे को जो बदला लेना है वो जिंदगी भर लेती रहना। हम लोग अभी जाकर शादी का सामान लेकर ही आते हैं। हम लोग 10 मिनट में आते हैं, तू जा। चला रे। हाँ बोल, क्या हुआ? भाऊ, अभी तक आया नहीं वो। तू उसको फोन करती रहना, देख कैसे भी करके उसको आज वहाँ पर बुलाना ही है। अगर हमारे आने से पहले वो वहाँ पर आ जाए ना तो उसको बातों में उलझा कर रखना। हाँ हाँ, मैं फोन रखता हूँ, हम पहुँच रहे वहाँ पर। ये देखो अक्षय, ये हमारे मेहमानों की लिस्ट। दादा के इतने सारे दोस्त है कि 1500 तो आ ही जाएंगे। और तुम्हारे? ये क्या, सिर्फ 300 लोग आएंगे? नहीं, वो क्या है कि हमारे पास अभी एक मिनट। हेलो, किधर है तू? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आता हूँ। ओ दावे बप्पू, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? सुन, तेरा कुछ लोचा विचार नहीं है ना? अगर ऐसी वैसी बात मुझे पता चली ना तो शादी की हवन के जगह तेरी चीता जलेगी। और तू ये जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ शपथ दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मग ठीक है। हेलो, हाँ सुन, कौन हो तुम लोग? तो काय को फोन कर दिया अक्षय भाऊ को? ये देख, तेरा नाटक बंद करने का, नहीं तो तेरे साथ जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तू होगी। मुझे डराने के लिए भाड़े के टट्टू भेजा है उसने। लेकिन देखो, तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये टायर को भी अभी पंक्चर होना था। अरे चला, जल्दी जल्दी करो यार। कितना पैसा दिया उसने मुझे डराने के लिए? देखो, मैं डरने वाली नहीं हूं। अकेली लड़की देखकर धमका रहे हो ना, मर्द कहीं के ना मर्द। आज तुझे मेरी मर्दानगी दिखाता हूं। क्या क्या कर रहे हो?
तू भी क्या याद रखेगी? मैं बोल रही हूँ जिंदगी में ऐसी मर्दानगी दोबारा देखने देखो ये गलत बात है मैं बोल रही हूँ छोड़ पकड़ उसको पकड़ अरे और कितना टाइम लगेगा भाऊ झाला सागरिका मिस कॉल ये फोन क्यों नहीं उठा रही है भाई हो गया चलो चलो बैठो जल्दी सागरिका अगर मेरे बहन को कुछ हुआ ना तो अक्षय को जिंदा जला दूंगा मैं सागरिका सागरिका भाई यहां से आवाज आ रही है भाई मोबाइल यहां पे पड़ा है सागरिका सागरिका काम हो गया तुमने जितना कहा था उससे ज्यादा किया है और अगर उसका फोन आया तो जिंदगी में कभी नहीं करेगी तुमको तो क्या किसी और को भी फोन करने से डरेगी माधो माधो सागरिका अब तक घर में नहीं आई है उसका फोन भी नहीं लग रहा है मैंने उसकी सारी सहेलियों को फोन किया वो कहीं पे भी नहीं है माधो मुझे बहुत डर लग रहा है पता नहीं मिल घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका नहीं साहब तुम लोग जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा रहे थे ना उसकी नहीं अब तक उस बारे में हमने सोचा भी नहीं है तू भाई है ना रे उसका जी तेरे साथ कुछ अनबन हुई थी तुम लोगों ने मारा वगैरह नहीं ना उसे नहीं नहीं हलवी फोटोग्राफ है उसका हाँ साहब ये लीजिए ये फोटोग्राफ आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में भेज दो देखो कहीं से कुछ ट्रेस मिलता है क्या सर सागरिका की कॉल डिटेल्स हमने छानबीन की है और उस सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है सागरिका कौन से कॉलेज में थी MY के कॉलेज किस किस से मिलती थी कोई दोस्त बचपन से खाली एक सहेली थी सुकन्या और अक्षय गोलब उसके साथ क्या रिश्ता था ये कौन है साहब तुम्हें तो पता ही होगा ना बहन थी तुम्हारी उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन उसने सिर्फ तुम्हें और अक्षय को फोन किया था कल ही पुलिस स्टेशन में हमें पता चल गया था कि तुम सब जानते हो अब बोलते हो या बुलवाऊं मुझे पता था सब उस दिन मैं जैसे बोलता ना वैसे कर अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला देख उससे प्यार से बात कर लेना अगर मानता है तो ठीक है नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे सागरिका सागरिका सागरिका
सागरिका, कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे? उस अक्षय ने तुझे मारा है क्या? मैं उस अक्षय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी गलती उसके सर पर मत डाल, सब तेरी वजह से हुआ है। मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, मुझे दूर रह, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। सागरिका, सागरिका रोक मेरी बात तो सुन, सागरिका रोक मेरी बात तो सुन। अरे अरे इतना सब होने के बावजूद तूने हमको कुछ भी नहीं बताया? सागरिका कहाँ है? सागरिका बता मेरे को। अगर उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम है। और तुमने उसे वैसी हालत में वहां से अकेले जाने दिया? साहब, वो मुझसे नाराज, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये अक्षय गुलाब कहाँ रहता है? अक्षय को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो कल पूरा दिन घर पर था। हाँ, हमारा बेटा बहुत शरीफ है और आप जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो हम उसे जानते तक नहीं। आप नहीं जानते पर ये जानता है। क्यों बोल, कैसे जानता था उसको? क्यों गायब किया उसे? बोल साहब, मेरा और उसका चक्कर था, पर जब मेरी शादी पक्की हुई उसके बाद मैं उससे दूर हट गया था, ना ही उसे देखा ना ही कभी उससे बात की। अच्छा तो ये क्या है? ये कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोज तुम दोनों में बातचीत होती थी, वो भी 10-15 मिनट तक, और तू कहता है कि रिश्ते खत्म हो गए थे? बोल। मेरे तरफ से खत्म हो गया था, पर उसको रिलेशन खत्म करने के लिए पैसे चाहिए थे, कीमत मांग रही थी साहब। आखिरी बार कब मिला था उससे? बोल। उसने मुझे पन्ना लेके जंगल में मिलने बुलाया था। तो तूने क्या किया? मैं नहीं गया साहब, मैं उसकी धमकियों से बहुत तंग आ चुका था। अच्छा, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? नहीं साहब, मैं। माधव का प्लान मुंह के बल गिरा और सागरिका एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। सब अपने आप को और अपनी झूठी इज्जत को बचाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सागरिका सबके लिए एक हाशिए पर चली गई है। जिसके साथ प्यार के नाम पर विश्वासघात हुआ वो कहाँ है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता था। अक्षय ने सागरिका से उसके सारे सपने छीन कर उसे दुख और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने अक्षय से पूछताछ की क्योंकि अक्षय के पास सागरिका को गायब करने का मकसद था, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस को अक्षय को छोड़ना पड़ा। चले रोक रोक, निकालिए चल। मेरी बहन किधर है? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। देखा नहीं? तू ना पुलिस को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार कुछ गड़बड़ की तो सीधा अंदर डाल दूंगा। साहब, अगर इसने मेरे बहन के साथ कुछ गड़बड़ की होगी ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मुझ पे हाथ उठाने से पहले अपने बहन से जाके बात कर, पता नहीं कहां कहां मुंह मारती है। ए, क्या बोलता है तू? चुपचाप खड़ा रहे। मारो साहब, मारो, जितना मारना है उतना मारो, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे बहन को अबॉर्शन करवाना पड़ा था, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। चुपचाप खड़ा रहे। ये अबॉर्शन की बात तुमसे किसने कही? मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। मैं उसके साथ खुद गई थी सातारा में डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में। उसने मुझे बताया कि ये बच्चा अक्षय का है। अक्षय जानता था ये बात? हाँ साहब। सिवाय पुलिस के कोई भी सागरिका को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। और फिर कहानी ने जो मोड़ लिया वो कल्पना से भी परे था। आ, 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 आ,
सर हो सकता है ये बॉडी सागरिका की हो, क्योंकि माधव ने कहा था वो इसी जंगल में आई थी। एक काम करूँ, माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ, चेहरा तो बिगड़ गया है, देखो शायद घड़ी, अंगूठी और कपड़े से पहचान हो सकती है। तो यस सर। सर कपड़ों, घड़ी और अंगूठी की वजह से सागरिका के माँ बाप ने बॉडी को पहचान लिया है और अब ये कंफर्म हुआ है कि वो बॉडी सागरिका की है। सर सागरिका के खून से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, वो भी दो अलग अलग आदमियों ने किया था। उसकी बॉडी से और वारदात की जगह से दो आदमियों के डीएनए सैंपल मिले। साहब यही वो जगह है जहां वो अक्षय से मिलने वाली थी। लेकिन सर सागरिका की बॉडी यहां से आधे किलोमीटर दूर मिली थी, फिर वो वहां कैसे पहुंची? इसका मतलब है शायद वो यहां से किसी के डर से भागी थी। लेकिन किसके डर से? तुम्हें उसका मोबाइल कहां मिला था? साहब मोबाइल इधर मिला था। भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। सर वहां कुछ मिला है। सर यहाँ पे झाड़ी में फंसा हुआ उसके दुपट्टे का कपड़ा, इसका मतलब वो भागते हुए यहां से गुजरी होगी। सर यहाँ पर डीएनए ट्रेसेस मिले, मतलब यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। तुम आए थे तब तुम लोगों को कहाँ मिली थी वो? वो थोड़ा आगे। साहब वो मुझे आखिरी बार यहाँ मिली थी। कहाँ थी तू? लेकिन उसकी डेड बॉडी तो यहाँ से दूर मिली थी, वो गई किस तरफ थी? जी इस तरफ। यहाँ पे उसे मारा गया था और माधव को वो जहाँ मिली थी वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 500 फीट है। इसका मतलब कोई और भी था जिसकी उस पर नज़र थी। सर ये वो रेपिस्ट भी हो सकता है या कोई और भी। एक बात अपने भेजे में डाल ले, अगर तेरा दूर दूर तक इससे कुछ वास्ता हुआ ना तो तेरी खोपड़ी में दूनली से भर दूंगा। और ये जब तक अब साबित नहीं होता कि तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है तब तक ये शादी तो आप भूल ही जाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा कुछ भी वास्ता नहीं इससे। विश्वास करो कम से कम तुम तो। अक्षय, ए अक्षय, डर के क्या बैठा है अंदर? बाहर निकल, बाहर निकल के मैं घुसू अंदर। अक्षय बाहर आ। तुम रुको। बाहर आ अक्षय, बेटे को भेजो अपने। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बेटे के वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है और तुम उसके शादी के सपने देख रहे हो? मैं भी देखता हूँ कैसे होती है उसकी शादी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। छट, तुम लोगों को ना मैं छोड़ने ही नहीं वाला। हट जाओ भाई, हट जाओ। भाई छोड़ना, भाई भाई पुलिस का लपड़ा हो जाएगा। भाई देख ले अपने बेटे को, जितना देख ले उतना देख ले। जिस दिन वो घर से बाहर निकलेगा ना वो गया ऊपर। भाई जान दे, छोड़ गया भाई, छोड़। हाँ। अगर हम शुरू से देखते हैं तो अक्षय के अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था सागरिका को मारने का। हमें अक्षय को उठाना पड़ेगा। क्या हुआ? अक्षय घर में है लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रहा। देखिए ना ये कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। दरवी देखो। ये अक्षय का कमरा कौन सा है? ये रहा। Thank you.
सर ये तो मर चुका है। अक्षय अक्षय के मर्डर ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था, क्योंकि सिर्फ अक्षय ही था जिसके पास सागरिका के कत्ल का मकसद था, लेकिन अब तो अक्षय खुद ही मारा जा चुका था। इसके बाद निशाने पर थे माधव और उमेश, इन दोनों ने ही खुलेआम अक्षय को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ, माधव अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था और उमेश अपने घर पर ही मौजूद था, और ना ही इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स कत्ल के हथियार पर मिले थे। अगर सारे सस्पेक्ट बेगुना थे तो फिर गुनहगार कौन था? ये केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। पुलिस की सारी मेहनत किसी अंधेरे में गुम हो रही थी, और तभी श्वेता के बयान से पुलिस को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, सब खुश थे, पर कुछ दिनों से अक्षय कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। अजीब अजीब से लोगों से छुप छुप के मिलने लग गया था, जिन्हें देख के मुझे कभी नहीं लगा कि वो उसके दोस्त हो सकते हैं, पर वो सब देख के मुझे ऐसे लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। सर, अक्षय के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन दो नंबर पर कई बार फोन किए गए और हर वक्त सागरिका के फोन के तुरंत बाद किए गए। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का सागरिका के मर्डर के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। एक काम करो, इन दोनों नंबर के डिटेल्स निकालो और उन्हें लेके आओ। चलो चले, उठ उठ, चल सोपान, रुक, ये सामान भाग 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 भाग, जल्दी से इधर भागेगा, चलो अंदर बैठ। साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, वो अक्षय ने हमें धमकाने की सुपारी दी थी, हमने बस उतना ही किया साहब। बता दो साहब, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। देखो मैं अक्षय को कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी फोन नहीं करूंगा। नामत का आता, अब दिखाता हूं मेरी मर्दान की तुझे। हमने उसको नहीं मारा साहब, सच सच बोल रहे हैं, हमने उसको नहीं मारा साहब। एक कहावत है, मार के बाद पुकार रह जाती है, और यही हो रहा था सागरिका के केस में। कोशिशें हजारों हुई लेकिन अंजाम कुछ नहीं सिवाय सोपान और राजन पर रेप का मुकदमा चलने के। कोर्ट की 2-3 सुनवाइयों के बाद राजन और सोपान भी जमानत पर रिहा हो गए। सागरिका और अक्षय की हत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई थी, और तब लगभग 1 महीने बाद घटी एक घटना ने इस पूरे मामले को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, राजन और सोपान सागरिका रेप केस वाले, सर पर पत्थर मारकर खून किया है जैसे सागरिका को मारा था। मौत लगभग 5-6 घंटे पहले हुई है सर, और बॉडी के ऊपर सूखी घास भी डाली गई है। बॉडी के पास शराब की बॉटल भी मिली है सर। किसी ने कुछ देखा है? नहीं सर, लेकिन एक किसान है जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा, सूखी घास उठाने के लिए आया था। आपने पत्थर को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर पत्थर के ऊपर के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए। लगता है कोई गाड़ी गुजरी है यहाँ से। एक काम करो, ये टायर के निशान के फोटोग्राफ ले लो और इस मिट्टी के सैंपल भी ले। सर, सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। सर इन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि तीनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए, क्योंकि पाए गए फिंगरप्रिंट्स किसी एक ही आदमी के। सर कौन हो सकता है वो? माधव?
नहीं सर, माधव के फिंगरप्रिंट्स इस रिपोर्ट से मैच नहीं करते, और जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन माधव का मोबाइल लोकेशन टेम्पो यूनियन के मोर्चे का ही था। हो सकता है खुद ना गया हो, किसी और को सुपारी दी हो। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग ये? राजन और सोपान को मारने के लिए तूने किसको भेजा था? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सब, मैं तो मोर्चे में गया था उस दिन। तुम्हारे अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था अक्षय और उन दोनों को मारने का। सच बता, तूने अक्षय को धमकी दी थी ना? वो तो मैंने गुस्से में दी थी साहब। माले, अंदर ले चल इसको, अंदर फटाफट बोलेगा ये। अरे मेरे बच्चे को! आहो, आहो, तुम्हें काई बोलत थे से नहीं। रुको। तू तो मोर्चे में था ना परसों, तेरी गाड़ी के टायर पे ये कीचड़ कहां से आया? कहां गया था तू परसों गाड़ी लेके? मैं तो मोर्चे के गाड़ी के साथ गया था, परसों तो बाबा गाड़ी लेके गए थे। क्या लगा था तुम्हें अपने भोले भाले चेहरे के पीछे आसानी से छुप जाओगे और कोई पहचान नहीं पाएगा? कानून अपराध सूंघ लेता है और अपराधी को भी। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। बोल क्यों किया ये सब? अपनी बेटी को मार दिया तूने? बोल। मैंने माधव और सागरिका की बातें सुनी थी। सतारा जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवाया, तब से मेरा उन दोनों पे ध्यान था। उन्होंने अक्षय को जंगल में मिलने के लिए बुलाया था, ये भी मैंने सुना था। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसा भी करके उसे पन्हाड़ा के जंगल में बुला। कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल गया। यहीं पे हम लोग मिलते थे। मेरी बूढ़ी टांगों ने जवाब दे दिया था, मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाया। जब वो मिली तो तब तक सब कुछ बिखर चुका था। उसने अपना मुंह तो काला कर ही दिया था, उसके साथ हमारे इज्जत पर भी कालिक मल दी। फिर मैंने देखा माधव और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। एक काम ठीक से नहीं कर सका तू। सागरिका मेरी बात तो सुन। सागरिका, सागरिका रुक। जब वो वहां से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। सागरिका, बाबा देखो ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया। बाबा मैं क्या करूंगी, बोलो ना कुछ दो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना, क्या करूं? ये सारी तबाही शुरू हुई उस अक्षय की वजह से। फिर भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने उसे भी मार डाला। अब वो दोनों राक्षस बचे थे। मैंने उन दोनों को सुपारी के नाम पे वहां पे बुला लिया और बहुत शराब पिलाई। वाह सेठ वाह, एकदम धमाल। अभी तो और मजा आएगा। हमारे समाज की मानसिकता आज भी बदली नहीं है और जगन्नाथ उसका जीता जागता उदाहरण है। उसने अपनी ही बेटी को बड़ी बेरहमी से मार डाला, वो बेटी जो प्यार के नाम पर धोखा खा चुकी थी और अपनी अस्मिता बचाए रखना चाहती थी।
जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसे इस मुश्किल वक्त में अपने बाप के कंधे का सहारा मिलना चाहिए था, उसी बाप ने अपने हाथों से उसे मार डाला सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। अगर जगन्नाथ ने पुलिस की मदद भी होती तो सागरिका को न्याय भी मिलता और वो आज जिंदा भी होती। किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। सागरिका अपनी सारी अधूरी इच्छाओं के साथ दूसरी दुनिया में जा चुकी है और जगन्नाथ सलाखों के पीछे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसे कानून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बच्चों की गलती पर माता पिता का गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन जरूरत है कि ऐसे वक्त में बच्चों से बातचीत की जाए, उन्हें समझने और समझाने की कोशिश की जाए। आप सबसे गुजारिश है कि गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और विवेक से काम लें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.